ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो पिछली वीडियोस में हम लोग ने क्या देखा था कि स्कोप रेजोल्यूशन का ऑपरेटर का यूज C++ के अंदर कैसे किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम अगला कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि हमारे पास है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है, बट आप लाइक भी नहीं करते और सिर्फ व्यूज़ ही आते हैं, मतलब लाइक कमेंट्स नहीं आते। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर किया करो और कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको ये वीडियोस अफेक्टिव हैं, आपको कुछ समझ आ रहा है। तो चलो यार आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, क्लासेस के बारे में नहीं पता, तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा जो कि आपको मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियोज़ में, जो कि मैंने पूरी की पूरी वीडियो जो है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तैयार की थी। तो आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास बात आ जाती है एरे की। तो एरे पे भी मैंने सी के अंदर एक वीडियो बनाई थी। तो एरे क्या होता है हमारे पास? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम्स। जो हमारे पास एरे है वो सेम तरह के डेटा आइटम्स की कलेक्शन होती थी। मतलब मान लीजिए कि आपके पास क्या है, अगर आपको एक प्रोग्राम दिया जाता है कि आपको 10 लोगों का डेटा जो है इनपुट करवा के उसे रीड करवाना है, तो आप 10 वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और 10 वेरिएबल्स क्रिएट करोगे अलग अलग नेम से, फिर ही वो 10 वेरिएबल्स के अंदर डेटा इनपुट हो सकता है, बट मतलब दूसरी तरफ इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि 10 वेरिएबल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको 10 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे अलग अलग नाम के। अगर मान लो आपको कहा जाता है कि आपको 100 लोगों का डेटा इनपुट करवाना, तो आपको 100 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। और उन 100 वेरिएबल्स का जो मतलब नाम है वो अलग अलग होना चाहिए, आइडेंटिफायर जो वो अलग अलग होना चाहिए। अगर आइडेंटिफायर इन केस की वो सेम हो जाता है, तो आइडेंटिफायर सेम होने के केस में वो हमें एरर थ्रो करेगा, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इतने सारे वेरिएबल्स बनाने के लिए, हम बेसिकली एक ही वेरिएबल बनाते हैं जिसका हम एक साइज़ दे देते हैं। साइज़ देने का मतलब क्या है कि हम उससे कंपाइलर को बता देते हैं कि जी हमारे पास एक एरे है, तो इस एरे के अंदर जैसे मैं कर दूं इंट ए और इसका साइज़ दे देता हूं 20, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, अगर मैं कमेंट डालकर इसे समझाऊं तो ये मेरे पास बेसिकली इंटीजर के 20 ब्लॉक बन जाएंगे। वो कौन कौन से हो गए? इंट ए 0 से लेकर 2 ए 19 तक, और आप गिन सकते हैं ए 19 है, ए 10 नहीं है। अगर मैंने इसका साइज 20 दे दी, तो इसका मतलब है कि एक तरह के ये 20 वेरिएबल्स ही बन गए हैं, कंटिन्यूसली मेमोरी एलोकेट हो चुकी है। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हैं हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में भी, एरे का ही। मान लीजिए कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स की संख्या ज़्यादा हो जाए, उस केस में हम क्या करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर देते हैं। जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसे एक एरे बना देते हैं सबस्क्रिप्ट देकर। एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रोग्राम को समझते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूं। इस क्लास का नाम मैं रखूंगा स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बनाई, इसमें मैं कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स रख लिए थे, लेट्स से कैर नेम, स्टूडेंट का नेम इसमें इनपुट करवाने के लिए मैंने रख दिया। फिर मैं करूंगा कैर एड्रेस, जो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग ही होगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा रोल नंबर के लिए इंट रोल कर दूंगा, और पब्लिकली इसे रीड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेमी कोलन डाल दिया। पब्लिकली मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मेंबर फंक्शंस जैसे void read रखूँगा, और मैं इन्हें इनसाइड द बॉडी ऑफ ए क्लास ही डिफाइन कर रहा हूँ, और इसे आप आउटसाइड द बॉडी ऑफ क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में, उसमें आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो अब हम बात कर रहे हैं कि मैंने एक रीड मैम का मेंबर फंक्शन बनाया, इसमें मैं कहूँगा कि यूज़र को कहूँगा एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, और इसे मैं नेम में इनपुट करा लूंगा। उसी तरह मैं सी आउट की हेल्प से कहूंगा एंटर द एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, और उसे मैं क्या करूंगा एड्रेस में इनपुट करा लूंगा, और फिर एक मैसेज दूंगा मैं जिसमें मैं लिखूंगा एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहां पे मैं इस एड्रेस का रोल नंबर का क्या करूंगा इनपुट करवा लूंगा रोल में। तो बेसिकली मैंने क्या किया, नेम एड्रेस और रोल नंबर जो है वो इनपुट करवा चुका हूं मैं। इन तीनों चीजों को इनपुट करवाने के बाद अब मैं एक शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाने जा रहा हूं, void show, जो क्या करेगा सिंपली इन कुछ चीजों को प्रिंट करवा देगा, जैसे कि मैं यहां पे बता रहा हूं आपको नेम ऑफ स्टूडेंट,
नेम ऑफ स्टूडेंट मैं कर दूंगा नेम, उसके बाद एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, मान लीजिए उसके बाद प्रिंट करवा लेंगे हम रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और रोल नंबर इनपुट करवाने के बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की, और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है बेसिकली एक नेम रख दिया, एक एड्रेस और रोल नंबर, जो कि तीन मेरे पास प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, और इन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को रीड करने के लिए हमने एक पब्लिकली रीड नाम का मेंबर फंक्शन बनाया है, उसे शो करवाने के लिए एक शो नाम का मेंबर फंक्शन बनाया है। और मैं अब चलता हूँ अपने मेन के अंदर, तो यहाँ पे मेन के अंदर आ जाते हैं हम। मेन के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास स्टूडेंट क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था, जिसमें मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया था। किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्लास नेम लिखना पड़ता है, जो कि मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट है, जो मैंने स्टूडेंट लिखा, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ ओबीजे, ओबीजे रख दिया मैंने इसका नाम, अब मैं करूँगा ओबीजे डॉट रीड, और रीड नंबर फंक्शन को एक्सेस किया, फिर मैं ओबीजे डॉट शो को एक्सेस कर लूँगा, और यहाँ पर मैं गेट सी एच और रिटर्न जीरो लगा दूंगा। पहले सबसे पहले हम काम करते हैं इसे, इस कोड को मैं क्या करता हूँ कंपाइल करके देख लेता हूँ, कंपाइल करूँगा तो थोड़ा टाइम लेगा फॉर एनी रीज़न, तो यहाँ पे मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ, यो कंपाइल हो भी रहा है, तो आप देख सकते हैं ये कंपाइल हो रहा है यहाँ पे, ओके तो इसे थोड़ा टाइम लगने देते हैं, और ये यहाँ पे कंपाइल हो गया, किसी भी तरह का कोई एरर क्रिएट नहीं हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसे रन करता हूँ, जैसे मैंने इसे रन किया देख सकते हैं आप, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम इनपुट पूछ रहा है, मैं यहाँ पे रोहित एंटर करता हूँ मान लीजिए, और उसके बाद एड्रेस पूछ रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ पठानकोट, वैसे मैं बेसिकली पठानकोट से ही हूँ। एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए मैं 34 एंटर करता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट, एड्रेस ऑफ स्टूडेंट एंड रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट ने सब कुछ आउटपुट दे दिया। इसे हमने किया सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए, यानी कि हमने स्टूडेंट का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया। मान लीजिए कि अगर आपको टास्क दिया जाता है कि आपको ऐसे 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स को डेटा को इनपुट करवाना है, फिर आप क्या करोगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे, ओबीजे 1 कोमा ओबीजे 2 कोमा ओबीजे 3, और ऐसे ही अगर आपको कहा जाता है कि आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करवाना है और उनको शो करवाना है, तो आपको ऐसे 100 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और उन 100 ऑब्जेक्ट्स के साथ सेम टू सेम यही स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ेगी कि ओबीजे के साथ रीड को एक्सेस करो और ओबीजे के साथ शो को एक्सेस करो। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सा काम हो जाता है। इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम किस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं, हम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का एक एरे बना दूंगा, वो कैसे बनाऊँगा, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे लगा दूंगा सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहता हूँ मैं उनका साइज लिख दूंगा, जैसे मैं लिख दूंगा 5, और यहाँ पे एक हिसाब से मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, और वो 5 ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास ओबीजे 0 से लेकर ओबीजे 4 तक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उनका एक एरे क्रिएट कर दिया है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा एक लूप चला दूंगा। अब लूप क्या होती है उसके ऊपर भी मैंने पहले से ही वीडियोस बना रखी हैं, आप ये आकर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फोर लूप चला दूंगा, फोर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन कर दूंगा 5, आई में इंक्रीमेंट कर दूंगा, और आई के अंदर इंक्रीमेंट करने के बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या करूँगा, बेसिकली जब मैं यहाँ पे लूप चला दूंगा और मैं क्या करूँगा ओबीजे आई के साथ क्या करूँगा रीड को एक्सेस कर लूँगा, उसी तरह ओबीजे आई के साथ क्या करूँगा शो को एक्सेस कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट किया है, और जैसे मैंने इसे लूप के अंदर रखा, सबसे पहले जो मेरे पास 0 है तो ऑब्जेक्ट है, उसके साथ रीड मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा, फिर उसके साथ ही शो मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा, फिर जब आई में इंक्रीमेंट होगा उसके बाद क्या होगा मेरे पास आईएथ ऑब्जेक्ट जो है फर्स्ट ऑब्जेक्ट सॉरी, उसके साथ क्या होगा मेरे पास रीड मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा और फिर शो मेंबर फंक्शन एक्सेस होगा। ये मेरे पास तब तक चलेगी जब तक 5 ऑब्जेक्ट्स की संख्या खत्म नहीं हो जाती। तो आई थिंक कि आपको समझ आएगा अरे ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ, तो कंपाइल फिर से करने में थोड़ा टाइम ले रहा है फॉर एनी रीज़न, तो मैंने इसे कंपाइल किया, अब ये कंपाइल हो रहा है और यहाँ पे ये कंपाइल हो चुका है। मैं इसे रन करता हूँ, रन करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा आउटपुट आने में, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट।
अब ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करने को कहेगा। पहले मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ रोहित, फिर मैं एंटर करता हूँ एड्रेस, मान लीजिए फिर से पठानकोट, रोल नंबर 45 एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं पहला क्या हुआ, मेरे पास पहले स्टूडेंट का डेटा इनपुट होकर उसे शो करवा दिया गया। फिर से मेरे पास ये वाला चल पड़ा, फिर से मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मान लीजिए मालती एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, एड्रेस एंटर कर लेते हैं ममून मान लीजिए, और यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर लेते हैं मान लीजिए 45। तो देखिए उसका सारा का सारा डाटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसी तरह मान लीजिए मैं यहाँ पे रेशो एंटर कर लेता हूँ फिर से नेम, और यहाँ पे एड्रेस एंटर कर लेता हूँ उसका भी ममून, और यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर लेता हूँ 56। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। हमें जब भी ऑब्जेक्ट्स की संख्या को इंक्रीज करना होता है अपने प्रोग्राम के अंदर, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक एरे में रख देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का एक एरे बना देते हैं। उससे हमारे हमें क्या आसानी होती है, हमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, सिंपली हमारे पास क्या एक ही एरे बन जाता है ऑब्जेक्ट्स का, जिसे हम लूप की सहायता से एक्सेस कर लेते हैं। और ये हमारे पास कंसेप्ट होता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो यार इस वीडियो को जरूर लाइक जरूर से कर देना, और कमेंट तो पक्का ही करना। और एक चीज़ हो रहा है कि आप इसे अलग से भी चला सकते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसे अलग से, फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फॉर लूप चलानी पड़ेगी। फॉर लूप चलाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई लेस देन 5 और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं ओबीजे आई डॉट शो कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसीजर चलता रहेगा। सबसे पहला सभी स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट होगा, उसके बाद सभी स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो मेरे पास आउटपुट के तौर पर आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पिछला डेटा ना रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिस्टम सीएलएस का यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको इस वीडियो में समझ आएगा कि हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स का एक एरे क्रिएट कर देते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, हमें अलग अलग से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट ना करने पड़े। हम बेसिकली उनका एक ऑब्जेक्ट का एरे ही क्रिएट कर देते हैं, इसी कंसेप्ट को हम करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ आएगा कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। अगर आपको ये समझ आया, अगर आपको ये सारा का सारा कोड चाहिए, तो मैंने नीचे क्या एक लिंक दे रखी है, आप उस लिंक पर क्लिक कर आपको सारा कोड मिल जाएगा, मतलब अब सारा कोड आपको वहाँ से मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे दे रखी है, सोर्स कोड भी आपको वहाँ से मिलेगा, और हाँ सोर्स कोड आपको ये सारा सोर्स जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर से करना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।